स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और आपको इस वीडियो देखकर पता चल जाएगा कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। ये एक सनम सटकर के यूट्यूबर है पाकिस्तान की, वो पब्लिक रिएक्शंस लेती है। तो आज उनके पब्लिक के बीच में जाके वहाँ के बच्चों को पूछ रहे कि उनके क्या विचार है इंडिया के बारे में और इंडिया का नाम सुनते उनके दिमाग में क्या आता है। तो देखते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। अच्छा, मुझे बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? मेरे दिमाग में तो ये आती है कि इंडिया अच्छा नहीं है। और आपके? हमला करो उनके ऊपर। पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्यों लगता है कि इंडिया अच्छा नहीं है? मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता कि 1957 की जंग हुई थी, उसमें जो मुसलमानों को जो शिकस्त हुई थी ना, उसमें जो इंडिया ने उनको कहा था अंग्रेजों को, उनकी हमदर्दी हासिल करके अंग्रेजों को मुसलमान के खिलाफ करने के लिए उन्होंने कहा था कि हम इस जंग में आपके साथ हैं। मुसलमान यानी कि आपके ऊपर उन्होंने हमला करवाया और आगे वो मुस्तकबिल में भी आप पे हमला करवाएंगे, तो इसीलिए आप ना उनको ख़त्म कर दो। उन पर जुल्म हुए, तजारत बंद हो गया, कारोबार मुसलमानों के लिए बंद कर दिए गए, इसीलिए वो मुझे अच्छे नहीं लगते। आपको क्यों लगता है ऐसा कि हमें इंडिया पर हमला करना चाहिए? मुझे इसलिए लगता है, कुछ तो मेरा ध्यान वैसे इस तरह का है, हमला करने वाला ध्यान है, मैं लड़ता रहता हूँ, झगड़ता रहता हूँ, और मेरे मुल्क के लिए वो झगड़ा है, वो झगड़ा तो मैं सबसे ज्यादा आगे जोश में होकर लड़ूंगा और जितना लड़ सकूंगा वो झगड़ा मैं लड़ूंगा, क्योंकि वो मेरे पाकिस्तान के लिए होगा, हम मुसलमान भाइयों के लिए होगा। बेसिक वो काफिर है, हम मुसलमान है, मैं मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है वो काफिर है, मुझे उनके सूल ये जो तरीके कार है पसंद नहीं है, उनकी वैसे हमारी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उनके ड्रामे देख के, उनकी ये चीज़ें देख के ये सब बंद हो जाए, इनसे हमारा ताल्लुक कोई नहीं होना चाहिए। अच्छा, ड्रामे तो वैसे ही बंद है, यहाँ पे फिल्में तो वैसे ही बंद है। नहीं, वो जो आ गई है वो तो खराब कर रही है ना, कहने का मकसद है आगे तो बंद हो गई है, जो पीछे आ रही है वो तो बंद नहीं कर सकेगा ना, वो कर सकेगा। तो मैं ये कहता हूँ इसको मैं पनाह कर दूँ, तख्ते ही पलट दूँ इनका मैं पकड़ के। अभी तो पाकिस्तान का तख्ता पलटा पड़ा है, उसके बारे में कुछ सोचे? उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान है वो कुछ अच्छे नहीं है, कुछ उसके अलावा हम भी अच्छे नहीं है। हमारी आवाम जो वोटिंग देती है, सोशल मीडिया देती है, किसी को किसको देना किसको नहीं देना, मुसलसल चोर आ रहे हैं एक से एक बढ़कर, तो हमारे मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता। बस यही दुआ करें आप हमारे लिए, तो और बस टेस्ट हो जाए कुछ। आपने कहा कि आपको इंडिया से नफरत इसलिए कि वो लोग काफिर हैं। मुसलमान या इस्लाम कबूल करने की बात करें वो तो चाइना भी नहीं है, फिर चाइना के साथ इतनी दोस्तियाँ क्यों बांधी हुई हैं? चाइना के साथ जो है दोस्ती मेरी तो नहीं हो सकती, जो हमारे मुल्क के हुक्मरान है उनकी है ना, कहने का मकसद है वो उनका फेल है। जो आपने मेरे से इंडिया के बारे में सवाल करते हैं, तो मैं तो सबसे ज्यादा जंग जो है ना लड़ने के लिए तैयार हूँ इंडिया के साथ, उसके अलावा मुझे किसी मुल्क से इतने खार नहीं आती जितनी मुझे इंडिया के ऊपर आती है। इसके पीछे इस खार के पीछे कोई रीजन तो होगी ना। चले, फिल्में ड्रामे ये एक तरफ हो गए, अब तो पाकिस्तान के ड्रामे और फिल्में भी जो है वो इंडिया के ड्रामे और फिल्मों से कम नहीं है। बेसिक जो पाकिस्तान में अब यही हुई है, मैं इसको जिम्मेदारी इंडिया को देता हूँ कि इनकी वैसे ही है, पहले की जो इनकी औरतें थी ना वह थी, ये जो है बेहया थी उनकी, वैसे हमारी भी जो देखने के बाद हो गई है, मुझे इस चीज पे मैं जो देख के ना तो मुझे आते हैं इनके ऊपर, ये नहीं कि और कोई मुल्क वालों की दुश्मनी होगी, मेरी जो है अपनी जाती दुश्मनी है उनसे। अच्छा, वैसे अजीब सी बात आपने की, सोशल मीडिया पर जो है ऑलरेडी बड़ी बेहयाई और बेहुदा किस्म की वीडियोस होती हैं, इवन के बहुत सारी मेरा ख्याल है और भी कंट्रीज ऐसी चीजें बनाती हैं, इसका सारा मलबा आप इंडिया पे नहीं डाल सकते, और अगर आप इतने गैरतमंद हैं तो आप वो साइट्स देखते ही क्यों हैं? नहीं नहीं, मैं देखता नहीं, बेसिक जो चल रहा है वो देखना तो पड़ता है, आंखें बंद करके तो गुजर ही नहीं सकता रोड के ऊपर, जाहिर सी बात है आंखें खुली हैं तो चल सकते हैं, वरना गाड़ी भी उड़ा देगी हमें, वरना मैं तो आंखें बंद कर लूंगी। अच्छा, अभी आपने बात की एक जंग की, कौन से सन की जंग की बात की? 1957 की अगर आपने बात की है, तो क्या आपने इसकी तस्दीक की है जिस पर आप ये सब आपने बोला कि आपने उसकी तस्दीक की है? कैसी तस्दीक? कि आपने कहा कि इंडिया वालों ने बोला था, तो इसकी तस्दीक की आपने? तो उन्होंने बोला था तो अंग्रेज जो है उन्होंने पाकिस्तान यानी कि मुसलमान भाइयों पे जुल्म किया था ना, उनके कारोबार सब कुछ बंद कर दिए थे, तजारत उनके लिए बंद कर दी थी, इसीलिए मैं खुद इस टाइम 9 में पढ़ रहा हूँ, मैंने ये पढ़ा है तो मैं आगे आपको बता रहा हूँ ना। आपको लगता है कि हमारी किताबों में जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमें सिखाया जाता है, वो 100% ठीक होता है? 100% ठीक होता है हमारी नजरों में, 100% ठीक होता है हमारी नजरों में? जी, मेरी नजरों में 100% ठीक है वो बात। आपको पता है कि हमारी बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिसमें ये बताया गया कि हम बहुत सारी जंगें इंडिया से जीते और वो जंगें जो है वो इंडिया ने शुरू की थी, हालांकि हकीकत ये नहीं है। हकीकत तो यही है, उन्होंने शुरू की है तो आगे हमने लड़ना है ना, हमने मुंह बंद करके तो नहीं ना बैठ सकते, अगर वो हमला करेंगे तो हम भी आगे से जवाब देंगे ना। अभी आपको पता है, आप माशाल्लाह अगर 9th क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि ये इकोनॉमी की वॉर है,
ठीक है, अब ये बॉर्डर्स पर लड़ने की, मिसाइल फेंकने की, हथियारों से लड़ने की जंग नहीं रही है, ये इकोनॉमी की जंग रही है कि कौन कितना जो है ग्रो करेगा, कितनी मौशियत जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आपको नहीं लगता कि इस जंग में इंडिया हमसे जीत चुका हुआ है? अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो इंडिया हमसे आगे है, ऐसे हाँ, तो इंडिया हमसे आगे है, हमारा पाकिस्तान पीछे है। आप देखें हमारे मुल्क की मौशियत कहाँ जा रही है और इंडिया देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आपने बात की कि इंडिया जो है उसके साथ जंग करनी चाहिए, हम चुप करके नहीं बैठेंगे। इंडिया ने तो बता दिया भाई अपनी इकोनॉमी को वो कहाँ से कहाँ ले गए हैं, और उन्होंने बता दिया कि ये जंग हम जीत चुके हैं, और हम में तो अभी इतनी सकत ही नहीं है कि हम किसी के साथ कोई पंगा ले सके। सही बात ऐसी ही है, वो जो हमसे मुल्क अलहदा हुआ था ना बांग्लादेश, वो भी उनकी करेंसी भी अब हमसे ऊपर है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मुझे चले कुछ हद तक तो मुझे अच्छा लगा कि आपकी जो है कुछ बातें, कुछ नॉलेज तो आप में जो है वो अच्छा है और सही है। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या कभी आपको ये फील नहीं हुआ कि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पर भी हमारे जैसे लोग रहते हैं, हमारी उनके साथ अक्सर तजारत भी होती रही है, हम एक मुल्क में एक साथ कितने साल रहते रहे हैं, हमारे रस्म और रिवाज, बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, हमारी जुबान, तो क्या हमें उनके साथ ताल्लुक में बेहतरी लानी चाहिए? बेहतरी मेरे नज़रों में नहीं लानी चाहिए। क्यों? बस नहीं लानी चाहिए। बहुत अच्छी बात, वजह तो होगी। मस्जिद में जाके मुसलमान भाई नमाज पढ़े होते हैं, पीछे से उनको मारते हैं, पत्थर मारते हैं, अजान नहीं करवाने देते। इसीलिए आपको पता है यहाँ पर भी हिंदुओं के मंदिर तबाह होते हैं, यहाँ पर भी कितनी सिख लड़कियों को जबरदस्ती उठाकर ले जाया जाता है, उनका जो है मजहब चेंज करवाया जाता है, जबरन शादियाँ करवाई जाती है। क्या आपको ये बात पता है? नहीं, मुझे अभी तक नहीं पता। वो नहीं पता। और आप अगर किसी अपने अच्छे टीचर से बात करें या आप किसी अच्छे न्यूज चैनल को सुने तो आपको पता चले सिंध साइड पर जो है ये काम बड़ा ज्यादा किया जाता है। अगर देखें, अगर किसी मस्जिद पर कोई हमला करता है या नमाज पढ़ने वाले लोगों को हमला करता है, अगर वो गलत है तो जो फिर हम लोग करते हैं, जो हमारे यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट लोग करते हैं, फिर वो भी गलत है ना? वो भी गलत है, उनको भी सजा देनी चाहिए। No. जैसे उनको मिलती है सजा, ऐसे इनको भी देनी चाहिए। लेकिन मसला पता है क्या है, हम दूसरों की गलती तो जो है वो जाहिर कर देते हैं, लेकिन हम जो खुद करते हैं हम वो नहीं बताते किसी को कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे ही है, कोई अपनी गलती सामने नहीं लाएगा। चोर चोरी करेगा, जब उसको पुलिस पकड़ेगी ना तो उसने तो नहीं मानना, जब उसको पड़ेगी तभी वो मानेगा ना। इनका भी यही हाल है। आप क्या कहेंगे, क्या इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए, उनके साथ भी क्यों आनी चाहिए बेहतरी? जब हमारे मुल्क में वैसे बेहतरी नहीं आ रही तो उनके साथ ताल्लुकात में तो वैसे बेहतरी क्यों नहीं आएगी? आपको पता है दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, ट्रेड खुलेगी तो यहाँ के लोगों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। वो कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए, ये झूठ है। वो सिर्फ बातें कर सकते हैं, जो करने वाले होते हैं बड़ी देर पहले कर जाते हैं। इतनी जंगे ना लड़ते हमारे साथ, इतने झगड़े ना करते, वो इतनी पेशेंट वही हमारे ऊपर ना लगाते। वो कहने का मकसद जो कर सकते हैं वो कर देते हैं, वो बातें नहीं करते। श्रीलंका पे बुरा वक्त आया, अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया, किसने मदद की? इंडिया ने की ना, वो उनका अपना फेल है, उन्होंने उनके लिए किया, उन्होंने उनके लिए कुछ ना कुछ किया होगा। कहने का मकसद ये है, जी को जी होती है तो हमारे मुल्क से वैसे उनकी बननी आती है, कुछ हमारे हुक्मरान हैं जो बनने आने नहीं देने चाहते। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? इंडिया का नाम सुन के पहली चीज दिमाग में क्या आती है? बस उनको मार देना चाहिए और कुछ नहीं। इंडिया को मार देना चाहिए, क्यों? वो हमारे दुश्मन है बहुत बड़े, हमें वो अच्छे नहीं लगते। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी नफरत और इतना जहर इंडिया के लिए, क्या वजह? कि वो हमारे लिए कौन सा अच्छा सोचते हैं, क्योंकि हम तो उनको मार देना चाहिए, वो हमारे दुश्मन है, वैरी है। आप कभी मिले हो किसी इंडियन से? नो। कभी इंडिया गए हो? ना कभी मिले हो ना कभी इंडिया गए हो, फिर इतना ज्यादा जहर उनके लिए क्यों है दिमाग में? इधर देखते हैं वगैरह, टीवी पे देखते हैं, वैसे भी देखते हैं, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, टीवी के सर ये पता चलता है कि इंडिया अच्छा नहीं है? नहीं जी। अच्छा, कितना पढ़े हुए? पढ़ा नहीं। पढ़े नहीं हो तो सिर्फ टीवी के जरिए इतना बुरा लगता है इंडिया? जी ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, इंडियन मूवीज देखते हो? दिमाग में जहर पड़ा है। इंडियन मूवीज भी नहीं देखते? सही है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान पहले एक ही मुल्क था, बड़े सगीर पाक और हिंद? जी। ये दोनों एक साथ ही रहते थे? जी। पता है आपको ये बात? नहीं पता। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि बड़े सगीर पाक और हिंद पहले एक ही मुल्क था, एक ही देश था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के लोग जो है वो एक साथ रहते थे, और इंडिया पाकिस्तान की बहुत सारी चीजें आपस में मिलती जुलती हैं। ठीक है, आपको पता है इंडिया से बहुत चीजें पाकिस्तान आती हैं, इवन पाकिस्तान से भी कुछ चीजें इंडिया जाती हैं। आपको लगता है इतनी छोटी सी उम्र में इंडिया के लिए इतनी नफरत रखना ठीक है? ठीक है, मुझे जो मैं सोचता मेरे लिए ठीक है, किसी का नहीं पता। अच्छा, आप क्या सोचते?
मैं यही सोचता हूँ कि उनको बस मार देना चाहिए और कुछ क्यों मारना चाहिए। आपको पता है कि हम जिस मजहब से बिलोंग करते हैं इस्लाम, इस्लाम तो हमें प्यार मोहब्बत का दर्स देता है। जी बिल्कुल, तो वो तो कहता है दुश्मन से भी प्यार करो, करना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि वो मार दे बंदे। हाय अल्लाह, एक ही बात, मार दो मार दो मार दो, इतना ज्यादा क्यों? वैसे ही क्यों, क्या वैसे जो सुनते हैं वो जो देखते हैं उसी। अच्छा, इस नफरत के पीछे कोई वजह तो होगी ना? अगर कोई इंसान कह रहा है कि ये इंसान बुरा है तो क्या ये सोच के हमें उससे नफरत कर लेनी चाहिए? कोई वजह तो होनी चाहिए ना। नहीं, इतनी भी तो नहीं ना। हम ये नहीं कह रहे कि सबको मारे, अच्छे भी होते हैं सारे, लेकिन जो है उनको तो मार देना चाहिए ना जो अच्छे नहीं सोचते पाकिस्तान के बारे में। वो गैर मुस्लिम, कौन से मुसलमान है वो? अच्छा, अगर गैर मुस्लिम भी है, देखो मेरी बात, गैर मुस्लिम भी है, इस्लाम में जोर जबर इनका हुक्म ही नहीं दिया गया, पता आपको? पता नहीं? पता ये नहीं पता। अच्छा, मैं चाहूंगी कि आप जिन लोगों के पास काम करते हो या घर में जिनके साथ वक्त गुजारते हो अपने अम्मी अब्बू से, उनसे इस बारे में थोड़ी डिस्कशन करो, इंडिया के बारे में पूछो, थोड़ा समझो, और फिर पता चलेगा कि जो आप सोचते हो, आपने बोला कि मुझे किसी के सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो सोचता हूँ वो ठीक है, तो मेरा ख्याल है आप इसके बारे में थोड़ा सा टीवी पे ही देख लो, ठीक है, ताकि हो सकता है थोड़ा आपको समझ आ जाए। नहीं, टीवी बिल्कुल नहीं आपका देखना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैंने तो वीडियो देखने से पहले मुझे तो पता चल गया था कि कैसे जवाब आने वाले हैं, क्योंकि इस तरह के कई सारे वीडियोस देख चुका हूँ और मुझे अब अंदाजा लग गया है कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं। ये बिना पढ़े लिखे हुए बच्चे थे, उनको कुछ हिस्ट्री का नहीं पता था कि इंडिया के बारे में या जंग के बारे में कुछ नहीं पता, बस एक ही बात कर रहे थे, मार दो मार दो मार दो। क्यों मार दो वो पता नहीं, मार दो क्योंकि वो काफिर है, हिंदू है और मुसलमान नहीं है। बेसिकली वहाँ पे मुसलमानों पे बहुत ही जुल्म करते हैं, इसलिए मार दो। इकोनॉमी की बात करने की उसमें तो कोई बात करना चाहता ही नहीं, क्योंकि उसमें उनकी गलती नहीं। वो कहते, वो एक बच्चा, वो ब्लू शर्ट वाला था, वो बोल रहा था कि ये मेरी गलती नहीं, ये मेरे हुक्म, हमारे हुक्मरान की गलती है। तो भाई, उसको चुन के कौन लाता है? आप ही तो लाते हो, लेकिन किस पार्टी को या किस कैंडिडेट को वोट डालना है वो आप में समझ तो है नहीं, क्योंकि अगर आपको इतनी समझ होती तो ये इस तरह की बातें ना कर रहे होते। और तीनों ही बच्चों ने जो बात की है वो वैसे ही मार देने की ही बात कर रहे हैं। तीनों में से कोई भी पढ़ा नहीं था, एक साथ पढ़ा था और एक वो नौवीं में पढ़ रहा था। और सना ने एक बच्चे को समझ दी कि आप अपने घर पे और जिससे टाइम स्पेंड करते हो उससे कुछ सीख लो, या टीवी से, अरे आपके यहाँ तो टीवी में भी ऐसा ही दिखाया जाता है और आपके स्कूल्स में भी यही पढ़ाया जाता है, तो फिर उससे क्या फ़ायदा होगा और नफरत बढ़ेगी। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।